हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रॉन्स सुक्का का रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि इतना ज़्यादा इजी है ना, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इतना इजी रहेगा और इतना ज़्यादा टेस्टी रहेगा ना, आप लोग मुझे थैंक यू ज़रूर से बोलेंगे। तो आज मेरी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, बच्चों का तबीयत ठीक करते करते कब खुद का ख़राब हो जाता है समझ नहीं आता है। तो फिर भी मैंने रेसिपी आज दिया है, कोशिश की हूँ कि बहुत अच्छा ही बने। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, दो ऑनियन लिया है बड़े साइज़ का, एक छोटा ऑनियन और ऐड करूँगी, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, बाकी तीन इलायची, तीन लौंग, दो छोटा दालचीनी, एक बे लीफ, और यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम प्रॉन्स, जो कि मैंने ऊपर से सर के तरफ से और नीचे थोड़ा सा पीछे की तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करवा लिया है। और मैंने हल्दी नमक लगा करके ना इसे रख दिया था। तो हल्दी नमक लगा के रखने के बाद फिर मैं ना इसे फ्राई करूँगी सरसों के तेल में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक ऑनियन और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मुझे लगा कि कम हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे तीन ऑनियन लिया है। तो अब लोग हम यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके, आधा आधा करके हम लोग यहाँ पे सरसों का तेल, मैंने यहाँ पे दो चम्मच लिया है सरसों के तेल में, बना करके देखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम लोग यहाँ पे ना एक दो मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे जो प्रॉन्स है ना वो फ्राई कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा रेडिश नहीं हो जाता और हल्का सा इसका ना जो कलर है ना वो ना चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखेंगे धीरे धीरे ना ये ऑरेंज से हल्का सा जैसे रेड हो जाएगा ना, ये हमारा प्रॉन्स फ्राई हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये फ्राई करेंगे ना दो मिनट, ये आराम से इस तरीके से फ्राई हो जाएगा। मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम में करेंगे ना तो फटता है, तो इसलिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करिएगा। तो देखिए इस तरीके से कलर आ जाएगा। तो हम लोग इसे धीरे धीरे इस तरीके से फ्राई करके ना निकाल लेंगे। तो बाकी मैं जो रहेगा ना वो भी सारा इस तरीके से ना ऐड कर दूँगी। तो मैंने आधा तो फ्राई कर लिया है और आधा जो बचा है ना वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। तो धीरे धीरे इस तरीके से आप लोग भी फ्राई करिएगा, मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करिएगा। यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा साइज़ का प्याज है और एक बड़े साइज़ का प्याज है, तो मैं इसका अच्छे से ना इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं एक छोटा एक बड़ा साइज़ का प्याज है, तो हम लोग ऐड करेंगे ग्राइंडर में, तो हमारा जो मिक्सर है उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों इस तरीके से ऐड कर दूँगी, देख सकते हैं मैंने इस तरीके बड़े बड़े साइज़ में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्राइंडर के हिसाब से अगर आपका ग्राइंडर अच्छा है तो फिर बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए टमाटर ऐड कर दिया है, तो मैं दोनों टमाटर यहाँ पे ऐड कर दी हूँ और मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो ऑनियन है ना इसको ना चॉप करना है एकदम पतले पतले स्लाइसेस में। तो यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत हेडेक हो रहा था, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं ग्राइंड कर देता हूँ, तो हस्बैंड ने यहाँ पर ग्राइंड कर दिया। तो देखिए एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो भी चलेगा, टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन को भी चॉप कर लिया है, देखिए एकदम पतले पतले स्लाइस में हम लोग एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे, तो उससे ना जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। देखिए इस तरीके से बहुत पतला पतला कट कर लीजिएगा। तो जो नॉनवेज खाते हैं ना उन लोगों के लिए तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, एकदम सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं एकदम जल्दी से बन जाएगा। तो 7 मिनट का वीडियो इसलिए है क्योंकि मुझे अपना भी दिखाना पड़ता है और थोड़ा बहुत बच्चों का भी रहता है। तो यहाँ पे हस्बैंड, मैंने प्रॉन्स फ्राई करके रखा है, तो हस्बैंड अनु के लिए और अपने लिए निकाल करके लेके जा रहे थे, गर्म लगा उनको, बहुत गर्म था। तो मैंने उसी कढ़ाई में ना दो चम्मच ऑयल और ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैंने हींग बे लीफ और खड़ा मसाला जो है ना वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, मैं जीरा यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ एक चम्मच, तो जीरा ऐड कर रही और यहाँ पे हींग मैं ऐड कर रही हूँ, सॉरी मैंने पहले बोल दिया हींग ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने खड़ा मसाला पहले ऐड किया है, उसके बाद फिर मैंने जीरा हींग ऐड किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो चॉप किया हुआ ऑनियन था ना वो ऐड कर देंगे। तो साइड में जो चिपका हुआ है ना हमारा प्रॉन्स का है वो हम लोग ऑनियन फ्राई करेंगे, मसाला डालेंगे ना तो अपने आप वो ना निकल जाएगा, छोड़ देगा वो धीरे धीरे। तो हम लोग यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। यही हम मसाला ऐड करेंगे जो हमारा ड्राई मसाला है, नमक मैंने 1 चम्मच ऐड किया है और हल्दी पाउडर भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, चिली पाउडर मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया है, 1-1 चम्मच जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है, और यहीं पे हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर नहीं है ना तो जब टमाटर और ये हमारा ऑनियन का हम लोग प्यूरी बनाए थे ना तो उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं जिंजर और गार्लिक, वो आप लोग पेस्ट बना सकते हैं वहीं पे। तो हम लोग यहाँ पे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो देखिए कलर चेंज हो गया है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर का और ऑनियन का प्यूरी। तो देखिए एकदम अच्छा सा हम लोग यहाँ पे
अगर आप लोग चाहते हैं ना तो इसमें फूड कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी रेसिपी में आज तक कभी मैं फूड कलर यूज़ नहीं की हूँ। मैंने देखा है लोगों का, मैं भी बनाती हूँ रेसिपी, मुझे पता है कि कितना क्या डालने से कलर आता है, तो लोग फूड कलर डालते ही हैं अच्छा दिखने के लिए, लेकिन मैं कभी फूड कलर यूज़ नहीं करती हूँ। और ना ही रेड मिर्ची जो होता है, मिर्ची से जो कलर आता है, वो मैं कभी ऐड करती हूँ, कभी नहीं। तो यहाँ पे मैं मसाला फ्राई कर ली हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। ये फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दे रही हूँ। मेरे गेटअप में मत जाइएगा, मेरी तबीयत ऐसे ही अच्छी नहीं थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो भी रेसिपी देना था करके मैंने रेसिपी छोड़ देते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब और फॉलो होना बंद हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अभी तबीयत वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो फिर 1-2 दिन शायद फिर से रेसिपी ना शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग मसाला फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो प्रॉन्स फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो फ्राई हो जाएगा ये मसाला जो हमारा रहेगा, और मसाला वो जो प्रॉन्स है उसके अंदर पूरा मसाला चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पानी आप लोगों की मर्ज़ी है, पानी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास से भी थोड़ा कम पानी ऐड किया है, तो जो हमारा मसाला नीचे चिपका हुआ रहता है ना वो निकल जाता है, इसलिए ऐड किया है मैंने। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी 1/2 चम्मच ऐड कर दिया है, तो उससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। खड़ा मसाला अगर आप लोग ग्राइंड करना चाहते हैं ना तो ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने खड़ा डाला है वैसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब हमारा यहाँ पे प्रॉन्स ऑलमोस्ट रेडी है, यहाँ पे हम लोग गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ता से। तो देखिए यहाँ पे एकदम हमारा जो प्रॉन्स सूखा है वो बिल्कुल तैयार है, और देखने में भी जितना लजीज लग रहा है उतना खाने में भी लजीज होता है। राइस के साथ खाए या फिर आप चपाती के साथ, भाकरी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे राइस बनाया था, बाकी सब बनाने का उतना टाइम नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने राइस ही बना दिया जो कि झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉन सर्व कर लिया है, तो अभी हस्बैंड भी ट्राई, वो तो हस्बैंड वहाँ पे खड़े ही थे, उन्होंने फ्राई वाला खाया था लेकिन वो खड़े थे, बोल रहे थे मुँह में पानी आ रहा है, खुशबू आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखिए प्रॉन सूखा बिल्कुल रेडी है, मैंने यहाँ निकाल लिया है, सर्व कर लिया है। आप लोग भी ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा, रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए ये एकदम अच्छे, मतलब आप लोग जिस तरीके से इसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मुझे जितना ठीक लगा मैंने उतना किया है। तो यहाँ हस्बैंड खड़े थे तो उनके लिए मैंने यहाँ पे सर्व करना भी स्टार्ट कर दिया है, वो बोल रहे थे कि, मतलब वो पीछे ही खड़े थे कि नहीं जल्दी से निकालो करके, तो मतलब उनको इतना अच्छा लग रहा था। एक्चुअली अनु का भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, हॉस्पिटल गई हुई थी मैं भी, तो उन लोगों को संभालते संभालते मुझे भी तबीयत ख़राब हो गया। हस्बैंड का फेस का एक्सप्रेशन देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अच्छा बना होगा। और हस्बैंड और अनु को तो बहुत पसंद था, उसका तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए उसके लिए भी मैंने बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा।